अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, canva.com की एक वेबसाइट है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के से रिलेटेड एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर मैंने आप लोगों को अकाउंट बनाना सिखाया था, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसके अंदर से इजिली जो है वो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, हर चीज़ एवरीथिंग। लेकिन वो लोगों को ज़्यादातर इस वेबसाइट के बारे में ज़्यादा डीप में पता नहीं है मतलब। तो लेकिन उसके लिए मुझे 5, 6 या 7, 8 कोर्सेज जो है वो कवर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों 2-3 वीडियोस बना के सिर्फ मेन चीज़ें जिनके हवाले से मैं आगे आपको अर्निंग के हवाले से जो अभी वेबसाइट्स वगैरह बताने वाला हूँ उन सब में वेबसाइट्स के अंदर जो है ये कैनवा आपको मुफीद साबित होगा आपके लिए। तो वीडियो को लंबा नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जाने से पहले आपको बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा लाजमी, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें, कल मैंने आप लोगों को जो है canva.com के ऊपर अकाउंट बनाना सिखाया था, बहुत ही सिंपल और ईजी मैथड था। और यहाँ पे आज जो है वो देखें, मैंने अपना अकाउंट जो लॉगिन किया हुआ है, जिस अकाउंट के अंदर मैं अपने जो है वो डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करता हूँ। अब डिज़ाइन में क्या क्रिएट करता हूँ, अगर आप यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर जाएं तो देखें यहाँ पे ये मेरी थंबनेल्स वगैरह बनी हुई थी। ज़्यादातर लोगों को मसला पेश आता है थंबनेल्स में। तो यहाँ पे देखें, ये वीडियो थंबनेल देखें, ये देखें, ये वाली देखें, ये वाली देखें, कितनी खूबसूरत थंबनेल, ये वाली देखें, ये वाली देखें। अब जो थंबनेल्स वगैरह मैंने खुद बनाई हुई है उनके अंदर थोड़ा सा देखें, आपको लगेगा कि यार एक नेचुरल चीज़ नहीं लगेगी, लेकिन इनकी थंबनेल्स के अंदर देखें आपको कलर्स वगैरह हर चीज़ परफेक्ट लगेगी। तो बहुत ही सिंपल और फ्री का मेथड है, और लिंक जो है मैं आपको इसका वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है कल की वीडियो में डिटेल के साथ बता चुका हूँ, आपने अकाउंट बना देना सिंपली। अब यहाँ पे ये देखें, डैशबोर्ड आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। आप जब लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखें, मेरा पर्सनल अकाउंट है और फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मुझे एक चार्जेस नहीं देने। हाँ, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो कि डॉलर्स में आपको पे करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फ्री हैं। अब फ्री से भी हमारा काम चलता है तो हमें क्या जरूरत है पे करने की। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के हवाले से बात कर लेते हैं। देखें, डिज़ाइन स्पॉटलाइट है सबसे पहले, अगर आप इसके ऊपर एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं मतलब। अब देखें इसके अंदर शामिल है जी लोगो मेकर है, फ्लायर मेकर है, बैनर मेकर, पोस्टर मेकर, रिज्यूमे मेकर, इन्विटेशन मेकर, बिजनेस एंड कार्ड मेकर, वीडियो इंट्रो मेकर, मीम मेकर, कोलाज मेकर और ग्राफ मेकर, सही हो, कितनी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। ये देखें, आपको मेन्यूज़ हैं, पोस्टर हैं, हर चीज़ आप बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो एड्स बना सकते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टोरीज, पोस्ट, हर चीज़। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़्यादा तेज़ स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग थोड़ा चीखने लग जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे देखें, बिज़नेस के हवाले से यहाँ पे बिज़नेस की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्लान एंड प्राइजिंग है इसके अलावा और लर्न। अब ये चीज़ें समझने की है नहीं इतनी, आप पढ़े लिखें तो ये सब देख के समझ जाएंगे क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे टेम्पलेट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स वो हैं जो आप बनाते रहेंगे और यहाँ पे सेव होते रहेंगे। सेव कैसे होंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अब यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ थंबनेल की, यूट्यूब की थंबनेल आपने कैसे बनानी। अब यहाँ पे देखें, आपको नीचे नज़र आ रहा है यूट्यूब की थंबनेल, अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च के अंदर जाके यूट्यूब थंबनेल लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ जैसे ही देखें, मैंने YouTube थंबनेल के ऊपर क्लिक किया तो न्यू विंडो ओपन हुई, और न्यू विंडो का डैशबोर्ड आपके सामने इस तरह से आ रहा है। ये आपका जो है डिज़ाइनिंग जो है डैश वाइट बोर्ड है। अब यहाँ पे ये देखें आपके सामने कितनी सारी थंबनेल्स आ गई हैं। अब इन थंबनेल्स को अगर आप देखें यहाँ पे तो कितनी खूबसूरत हैं। अब आप यहाँ से कोई भी एक थंबनेल ऐसी निकाल सकते हैं जो कि आपकी वीडियो से रिलेटेड है, तो वो आप देखें ये वाली है, फिर ये वाली है, ये वाली है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे आपको प्रो लिखा हुआ नजर आएगा, इसका मतलब ये पेड, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। इस वाली पे देखें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर देखें आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में, आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, फ्री है, फ्री है, अब कितनी सारी फ्री हैं ये देखें, ये आप इनमें से निकाल सकते हैं बहुत सारी, और इनके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। चेंजिंग कैसे करनी है, अब मैं यहाँ पर उठाता हूँ कोई एक फ्री वाली जो है उठाता हूँ और उसके एडिट करके आपको सेव करके दिखाते हैं हम। अब ये आपके सामने तस्वीर भी आ गई, अच्छा, और आपके सामने टेक्स्ट वगैरह भी लिखा हुआ आ गया। अगर तस्वीर आपकी अपनी आपके पास मौजूद है तो आप अपनी लगा सकते हैं, अगर आपकी अपनी मौजूद नहीं है तो आप इसी को रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आके देखें, अब आपने यहाँ पे कोई एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ भाई हाउ, और ये फिर मैं नीचे प्रॉफिट वाले पे क्लिक करूँगा। अभी मैंने हाउ टू मेक लिखा तो यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा नीचे चला गया मेक, तो यहाँ पे मैं इसको इस बॉक्स के ऊपर जो है साइड पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने जैसे ही इसको टू मेक लिखा, यहाँ पे आप ये थोड़ा बड़ा हो गया और ये मेक जो है नीचे आ गया,
तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है पूरे को, और यहाँ पे ऊपर ये देखें आपको साइज नज़र आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे माइनस करता हूँ, इतना छोटा करेंगे जितना वो एक लाइन में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ये देखें एक लाइन में आ चुका है। तो अब दोबारा मैं जो है इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको जो है अलाइन करता हूँ बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा बॉक्स के आउट हो रहा है, तो फिर मैं इसको दोबारा डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा और छोटा करते हैं हम इसको बॉक्स के अंदर, ताकि एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इसके अंदर जो है क्लिक करके जो है ऐड हो गया, मतलब ये छोटा हो गया इसके अंदर ऐड हो गया। और हम अब इसको अलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं इसकी। अब सेम इसी तरह आपने नीचे जो है वो विद SEO लिखा हुआ था, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं लिख दूंगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, कर देते हैं हम इसको। अब सेम इसी तरह जो है इसको भी हम एडजस्ट करेंगे और एक लाइन में लाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका हाथ जो है वो आगे आ रहा है। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस डिज़ाइन का जो है थोड़ा सा इसको बॉक्स को वाइट करूँगा। अब यहाँ देखें आप, ये एक लाइन में हो गया। अब ये मतलब इस वक्त मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें आप, ये तस्वीर बहुत ज़्यादा इसने बड़ी कर दी है, तो हम इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो ये देखें ये पीछे आपको मार्क नज़र आ रहा होगा, कैनवा का लोगो है इस डिज़ाइन के ऊपर, ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं, तो ये अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखें ये रिमूव वाटर मार्क, मतलब ये पेड है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये इसको यूज़ करके जब डाउनलोड करने जाएंगे इस थंबनेल को, तो डाउनलोड नहीं होगी। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली जो है क्लिक कर देता डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप डिलीट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी जो है अपलोड कर सकते हैं, जैसे फ़ोटोज़ में आप आके जो है यहाँ से सर्च कर सकते हैं कोई भी डिज़ाइन जो है बैकग्राउंड का। ठीक है, फाइल मारने के बाद यहाँ पे देखें सेव कर देते हैं। सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आप इसके अंदर फोल्डर बना के उसके अंदर रख सकते हैं, और सेव पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे इधर अकाउंट में सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली शेयरिंग पे आना है। शेयर पे आने के बाद यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि शेयर दिस डिज़ाइन टू सोशल मीडिया, और आपके अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उनको लिंक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं लिंक इसका। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल टाइप आपसे पूछेगा, फाइल टाइप आपने जो है वो JPG उठानी है। ठीक है, JPG करने के बाद यहाँ पे साइज़ को आप नहीं छेड़ सकते क्योंकि आप अभी फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं, और क्वालिटी भी आपकी, मतलब ये जो क्वालिटी और जो साइज़ है ये आपका बेहतरीन है, इस पर आपको कोई पिक्सल नहीं आएंगे। मैंने जो अपलोड की हुई इसी क्वालिटी पर की हुई, तो सिंपली आप यहाँ पर इसको डाउनलोड क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि टू प्रीमियम इमेजेस, योर डिज़ाइन कंटेंट्स प्रीमियम इमेजेस, मतलब यहाँ पे मेरे डिज़ाइन के अंदर कोई दो कंटेंट ऐसे हैं जो कि प्रीमियम है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि प्रीमियम है। ये दो जो चीज़ें थी ये भी वाटर मार्क लगा हुआ था। अच्छा हो गया, ये एरर आया क्योंकि आपको समझ आ गई होगी कि क्यों डाउनलोड नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखें सिंपल, आप मैंने बताया आपको, आप यहाँ से कुछ भी शेयर करके लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर मैं इधर यहाँ आपको ये चीज़ें भी बताने बैठूँगा तो आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिंपली आपको जस्ट दिखाना था कि यहाँ पे ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो फिर यहाँ पे मैं शेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, उसको दोबारा शेयर पर क्लिक करके डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे PNG पे हटा के JPG कर दूँगा इसको, और JPG करने के बाद डाउनलोड कर दूँगा। अब देखें ये मेरी पिक्चर इमेज जो है डाउनलोड होगी थंबनेल, मतलब, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपने यहाँ से उठानी है और उसके बाद अपने यूट्यूब के चैनल पे अपनी वीडियो के ऊपर अपलोड कर देनी, सिंपल। अच्छा, यहीं पे देखें अब हम इसको जो है यहाँ से बंद कर देते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सीखने की और करने की। अब मैं सिखाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी। खैर, आगे आके मैं इसको कवर करूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, ये देखें आप वीडियो बना सकते हैं, फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, यूट्यूब का बैनर बना सकते हैं, चैनल आर्ट, वाइट बोर्ड की एनिमेशन बना सकते हैं आप। इसको मैं एरो को और क्लिक करता हूँ आगे। अच्छा, यहाँ पे देखें ई बुक कवर, ये ई बुक कवर आप बना सकते हैं और ई बुक पूरी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आगे आप लोगों को काम आएगी। जो चीज़ें अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोगो है, लोगो बना सकते हैं, वीडियो देखें यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर में। अच्छा, इसी तरह पोस्टर है, इन्फोग्राफिक रिज्यूमे आप बना सकते हैं, फ्लायर है, पोस्टर है, प्रेजेंटेशन है, हर चीज़ है यहाँ पे। देखें स्टोरी है, रिज्यूमे। अच्छा, नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे ये आपको जो है रिसेंट डिज़ाइन, ये जो मैंने बनाए हुए हैं ये मिल जाएंगे आपको। ये देखें ये तो मैंने बनाए हुए, जो आपके डिज़ाइन होंगे वहाँ नीचे आपको सेव होकर मिल जाएंगे। इसके अलावा देखें यहाँ से आप जो है वो फ्लायर हैं, लोगोज़ हैं, ये यहाँ से ये देखें मग का डिज़ाइन है, पोस्ट कार्ड है, शर्ट्स हैं, शर्ट टी शर्ट्स वगैरह आप डाउनलोड कर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेबल्स हैं, इनविटेशन कार्ड है, कैलेंडर है,
वीडियो एड्स है, ये सब चीज़ें यहाँ से आप बना के जो है लोग यहीं से बनाते हैं और उसको आप फाइवर पे सर्विसेज देते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है। मतलब आप देखें कि कितना टाइम लगा मुझे ये एक डिज़ाइन बनाने में, बहुत कोई इतना ख़ास टाइम नहीं लगा। ये आप भी बना सकते हैं और बिना किसी मतलब आपको पेमेंट के, ना किसी को आपको सर्विस के पैसे देने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आगे जो है मैं आप लोगों के साथ जो है अर्निंग के मेथड्स जो है वो शेयर करूँगा। बहुत सारे मेथड्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट हैं, कहाँ कहाँ से आप किस किस जरिए से पैसे कमा सकते हैं और कैसे आप सर्विसेज दे सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में मेरे चैनल यूट्यूब के चैनल आफ्ताब पीडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।